भाद्रपद या भादो मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हलछठ का त्योहार मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु और समृद्धि की कामना के लिए उपवास रखती हैं। इस साल हलछठ व्रत 17 अगस्त को मनाया जाएगा। हलछठ के दिन महिलाएं संतान के हिसाब से 6 छोटे मिट्टी के बर्तन या पात्र में 5 या 7 अनाज या मेवा भरती हैं। हलछठ के त्योहार को देश भर में अलग अलग नामों से जाना जाता है। गुजरात में इसे राधन छठ, तो कहीं ये पर्व हलषष्ठी, हलछठ, हरछठ व्रत, चंदन छठ, तिन छठी, तिन्नी छठ, ललही छठ, कमर छठ या खमर छठ के नामों से भी जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हर छठ या हल छठ के आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। व्रत रखने वाली स्त्रियों को इस दिन महुआ की दातून करना चाहिए। हर छठ के उपवास में हल द्वारा जोता हुआ अन्न या कोई फल नहीं खाया जाता है। गाय का दूध भी मना है। सिर्फ भैंस के दूध, दही या घी स्त्रियां काम में लाती हैं। इसमें भैंस के दूध के मक्खन का भोग लगाया जाता है। तालाब में उगने वाली चीजें ही खाई जाती हैं, जैसे तिन्नी का चावल, केरमुआ का साग, पसाही के चावल। हल षष्ठी व्रत में भैंस का दूध, दही और घी का इस्तेमाल किया जाता है। गाय के किसी भी प्रकार के उत्पाद जैसे दूध, दही, गोबर आदि का उपयोग नहीं किया जाता है। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। फिलहाल वीडियो में इतना ही।